ये देखो एक बार इसका टायर हजार किस स्टाइल में बना रखा है, पूरा आधा कवर करके व्हील कवर पे कार्बन फाइबर की आपको फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। ये देखो भाई कमाल की लाइट है यार। ये जो बाइक है ना वन ऑफ माय फेवरेट बाइक्स में से एक है, पूरा इसको कस्टमाइज कर रखा है, सिंगल सीट में इसको उतार दिया है और भाई देख ही सकते हो टैंक वगैरह अगर आप देखोगे तो भाई पूरा ग्लॉस कर रखा है, क्रोम जैसे कहते हैं ब्लैक क्रोम आपको टैंक देखने को मिल जाता है, यहाँ आपको टीवीएस ब्रांडिंग दिख जाती है और भाई ये देख सकते हो ऐसा सब कुछ है। ठीक है सर, दोस्तों देख सकते हो आप सिंगल सीट को ऐसा कितना प्यारा बना दिया है भाई ऐसा करके, और क्या लुक लग रहा है भाई पीछे से। इसका एग्जॉस्ट नोट जो है ना दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया है और भाई कमाल है। ये देखो एक बार इसका टायर हजार किस स्टाइल में बना रखा है, पूरा आधा कवर करके, और ये देखो भाई व्हील कवर पे कार्बन फाइबर की आपको फिनिश देखने के लिए मिल जाती है, क्या कमाल का लग रहा है यार। 150 का टायर दे रखा है इसके साथ जो कि बहुत ही वाइड लग रहा है भाई, कसम से मजा आ रहा है इसको देखने में। और इसकी जो एग्जॉस्ट है वो भी आपको देख सकते हो कस्टमाइज है राइट, जो नॉर्मल रॉनिन के साथ आते हैं वो नहीं है, टीवीएस की यहाँ पर ब्रांडिंग दिख जाती है और यहाँ पर आपको दिख जाती है बॉबर की ब्रांडिंग। ये देखिए दोस्तों टैंक पैड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं भाई, बहुत बढ़िया चीज है, बारन देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है, और उसी के साथ साथ यूएसडी सस्पेंशन, मतलब छोटी छोटी चीजें बहुत सारी एड ऑन कर रखी है। ये देखो भाई कमाल की लाइट है यार, यहाँ देखो अपना थोड़े देश का मैप दिख रहा है दोस्तों, और ये देखो आपको प्रोजेक्टर लैंप टाइप का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। ये भी दोस्तों देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ ऐसा बनाया गया है, टीवीएस रॉनिन बॉबर है दोस्तों ये। यहाँ पर आपको दोस्तों एलईडी लाइट देखने के लिए मिल जाती है जो कि बेसिकली इंडिकेटर का काम करेगी, और उसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आरसीबी के आपको एडजस्टेबल लेवर देखने के लिए मिल जाते हैं, चाहे ब्रेक लेवर की बात करें या फिर हम बात करें क्लच की, दोनों ही आपको एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाते हैं। उसी के साथ दोस्तों टायर काफी वाइड है, लेकिन ये जो व्हील कवर है ना जिसपे कार्बन फिनिश आपको देखने के लिए मिल रहा है इसने इसकी खूबसूरती बढ़ा दिया भाई। यूएसबी सस्पेंशन दिख रहा है आपको दोस्तों इसके साथ, और भाई ये देखो छोटा सा इसका ना रेडिएटर देखने के लिए मिल रहा है, ऐसी भी कुछ भाई बाइक देखने के लिए मिल रही है, बहुत ही सुंदर क्या खतरनाक आइटम लग रहा है दोस्तों। ये देखो सम गार्ड भी कितने अच्छे तरीके से भाई बनाया गया है जो पूरे इंजन को प्रोटेक्ट कर रहा है भाई, लुक ना भाई कमाल की 10/10 भाई, मतलब मस्त लग रही है बहुत। मीटर वगैरह की बात करें दोस्तों नॉर्मल जो रॉनिन में आपको मिलता है वही आपको मीटर देखने के लिए मिल जाता है। ये इसका इग्निशन है, यहाँ पर अगर आ जाए तो नॉर्मल जो सेटअप होता है दोस्तों हाई बीम लो बीम इंडिकेटर हॉर्न और उसी के साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन वगैरह के लिए बटन होता है वो है, ये आपको मॉड देखने के लिए मिल जाता है, यहाँ इंजन का स्विच मिल जाता है, ये हैजर्ड का ऑप्शन और ये है सेल्फ स्टार्ट। यार ये देखो भाई साहब मतलब पूरा अच्छे से मॉडिफाई कर रखा है, इवन दोस्तों जो ये होते हैं अपने ऑयल कंटेनर इनको भी पूरा फिनिश पूरा ट्रांसपेरेंट रखा गया है आपको देख ही रहा है, और भाई लुक ना बहुत खतरनाक लग रही है इसमें। ये देखो यार क्या ग्लॉसी है, क्या बढ़िया है, टैंक पैड आपको देखने को मिल जाता है, बॉबर की ब्रांडिंग दिख जाती है, यहाँ पर थोड़ा स्टिकर वर्क देखने को मिल जाता है, यहाँ पर दिख जाती है टीवीएस की ब्रांडिंग और यहाँ भी आपको दिख जाती है बॉबर की ब्रांडिंग। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं 225 सीसी का इंजन मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है 20 BHP, जो कि प्रोड्यूस करता है 19.98 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, 20 Nm ऑफ टॉर्क आप कह सकते हो, कमाल की बात है भाई कमाल की बात है। इस सीसी के साथ ऐसी बाइक मिल रही है आपको, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसी लगी है बाइक, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।